हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोबिया मसाला की रेसिपी। लोबिया की सब्जी कैसे आप बना सकते हैं, आज मैं आपको लोबिया की सूखी सब्जी बनाना सिखाऊंगी, जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक कप लोबिया, जिसको कि इंग्लिश में ब्लैक आइड बीन्स भी बोलते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था, तो ये काफी अच्छे से भीग चुकी है। तो अब इसको कुकर में डालकर हम प्रेशर कुक करेंगे। तो लोबिया को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, साथ ही हम हल्दी ऐड करेंगे। तो एक चम्मच में नमक डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी डालूंगी। दो ग्लास पानी डाल देंगे। इसके बाद में ढक्कन लगाकर हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर लगभग 4 से 5 सीटी आने तक प्रेशर कुक करेंगे। इसके बाद में हम इससे बनाएंगे लोबिया की सूखी सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। इसको अच्छे से हीट कर लें और इसमें एक चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे से चटकने लगेगा तब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून राई। राई या सरसों आप कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही 2 हरी मिर्च काटकर ऐड करेंगे। 2 इंच अदरक का टुकड़ा भी ग्रेट करके या फिर चॉप करके ऐड कर दें। 1 प्याज को बारीक काटकर ऐड करेंगे और सारी चीजों को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज को 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से भूनना है। देखिए, प्याज को यहाँ पर मैंने हल्का सा भून लिया है, आप चाहे तो इसको और ब्राउन कर सकते हैं। अब इसमें मैं 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करूंगी। 2 टमाटर लिए और सिंपली मैंने उसको चॉप करके मिक्सी में पीस लिया, उसकी प्यूरी बना ली और वो ऐड कर दी। थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। बॉयल करते समय भी लोबिया को हमने नमक ऐड किया था, इसलिए इस वक्त आप कम ही डालें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें सूखे धनिया का पाउडर डालेंगे। तो सारे मसाले एक साथ ही डाल लेंगे। 1/2 से 1 चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च का यूज करें, तो कश्मीरी मिर्च कलर बहुत अच्छा देती है सब्जी को, साथ ही तीखी ज्यादा नहीं होती। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे। तो अगर सब्जी की रंगत अच्छी आएगी तो खाने में और भी ज्यादा मजा आता है। देखिए, मसाले को मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया। मसाला बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें जो हमने लोबिया बॉयल करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। इसमें हल्का सा पानी मैंने रहने दिया है और बाकी के पानी को मैंने अलग कर दिया है। तो लोबिया को बॉयल करते समय जो पानी निकला था उसको आपको फेंकना नहीं है, उससे आप सब्जी बना सकते हैं। सेम सब्जी में आपको यूज करना है, यानी कि अगर आप गीली सब्जी बना रहे हैं तो उसी पानी को आप रसा बढ़ाने में यूज कर सकते हैं, और अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो उस केस में भी आपको थोड़ा सा पानी लगेगा। देखिए, यहाँ पर बॉयल किया हुआ लोबिया मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले में। अब ये बचा हुआ पानी है ये मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, लगभग 1/2 कप मैंने पानी ऐड किया है। सूखी सब्जी है इसकी, बहुत ज्यादा पानी नहीं लगेगा। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी, ये मैंने घर पर बनाई थी, रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही 1/2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे। और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने इस रेसिपी में गार्लिक का यूज नहीं किया है, आप चाहे तो प्याज के साथ साथ गार्लिक को भी आप तड़के में ऐड कर सकते थे। अब देखिए, हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब किचन किंग मसाला, जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पर इसमें बाजार का किचन किंग मसाला यूज किया है। आप कोई भी सब्जी मसाला जो भी आपके पास हो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर दें। इससे हमारी सब्जी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर मिलेगा, एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस और चटपटापन मिलेगा। तो ढककर यहाँ पर सब्जी को मैंने लगभग 5 मिनट तक धीमी आंच पर पका लिया था, और मुझे अभी इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और बढ़ाऊंगी जो मैंने साइड में रखा हुआ है। और धनिया डालूंगी इसमें, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया हम डाल देंगे। और इसके बाद में ढककर इसको हम वापस से 7 से 8 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो ढक्कन लगाकर इसको पका लेते हैं। ढक्कन लगाकर मैंने इसको पका लिया है, थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया था, और आप देख सकते हैं सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। जितने भी मसाले थे उन्होंने बहुत अच्छे से अपने कलर को रिलीज किया है। कश्मीरी मिर्च का यूज हुआ था, जिसकी वजह से सब्जी का टेस्ट और कलर दोनों बहुत अच्छा आया है। आप भी लोबिया की सब्जी को बिल्कुल इसी तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है, साथ ही बहुत हेल्दी भी है। लास्ट में इस पे वापस से डालिए थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, और इसको रोटी पूरी पराठे किसी के साथ भी लंच या डिनर में सर्व कीजिए। तो अगर आप जर्नी में जा रहे हैं तब भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि ड्रायर वर्जन है, सूखी सब्जी है, साथ ही रोटी पूटी पराठे के साथ लंच या डिनर में और टिफिन के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।